आपका जी जब बताए नहीं फिल्म के बारे में, हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। फिल्म का नाम तो अभी रिवील करना उचित नहीं है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में नाम होगा। बट ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, एक अच्छी फिल्म, महिला प्रधान कह सकते हैं, एंड बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। फिल्म के डायरेक्टर हैं बेलू जी, उनके साथ मैंने पहली भी एक फिल्म की है, बलमा बिहार वाला, जो कि खेसारी जी के साथ थी। सो ये दूसरी फिल्म है एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी करें हम लोग साथ में और धमाल मचाए। कब तक शुरू होगी अमरीश जी फिल्म? एक्चुअली अक्षरा जी काफ़ी बिजी होने की वजह से हम पूरी प्रोडक्शन टीम हमारी रेडी है, लेकिन डेट की वजह से अगले महीने 10 तारीख तो जल्दी अगले महीने नवंबर के 10-15 बीच में हम शूट पे जा रहे हैं, मुंबई के इर्द गिर्द लोकेशन पे शूट कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ढंग से खुशनुमा अंदाज में इसको शूट किया जाएगा। अब क्या कैरेक्टर है इसमें? कोई बता दूंगी तो फिल्म में करूंगी क्या? नहीं, लेकिन मेरे बताने के बाद भी बहुत कुछ बचता है। नहीं, अभी नहीं रिवील करना चाहूंगी। जैसे महिला प्रधान फिल्म है तो आपने? जी हाँ, ऑब्वियसली महिला प्रधान है तो कुछ अलग, जैसा कि मैंने बोला स्टोरी इज अ वेरी, मतलब बहुत अलग लेवल पे स्टोरी है और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से फिल्म आएंगे हम लोग तो शायद एक वेलू जी मुझे स्टोरी बता देंगे मेरे दोस्त, थोड़े समय हिंट जरूर वो भी नहीं बताएंगे ज्यादा तो नहीं कहूंगा, अगर बताए तो फिर देख लीजिएगा। ये एक एक महिला प्रधान ही फिल्म है और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा, जो अरेंज मैरिज के खिलाफ है, उसको लव मैरिज करना है तो उसको कैसे क्या होता है, इस ताने बाने में पूरी फिल्म है। तो उस नायिका के इर्द गिर्द बहुत सारे किरदार आते हैं लाइफ में और क्या होता है कैसे होता है, तो इस तरीके की नई विचारधारा की फिल्म इस माध्यम से हम आपके बीच में लेके आने वाले हैं। बहुत जल्द इसका टाइटल आपके सामने क्लियर किया जाएगा और अक्षरा जी का बहुत ही दमदार कैरेक्टर है इस फिल्म में, बहुत बेहतरीन गाने हैं। धनंजय मिश्रा जी इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और अभी हम लोग पहला गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं पामेला जैन जी की आवाज़ में और बहुत जल्द फ्लोर पे जाएंगे। बस जैसा कि हमारे अमरीश जी ने बताया कि अक्षरा जी का डेट अरेंज हो जाए फिर हम लोग फ्लोर पे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने फ्लोर पे होंगे और पूरी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, हमारी राइटर टीम बैठे हुए हैं, लगातार स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और हमारी म्यूज़िक टीम लगातार बेहतरीन से बेहतरीन म्यूज़िक बनाने पर लगी हुई है। और ये सही बात है कि अक्षरा जी के साथ मैंने एक पहले फिल्म की थी और हमारी लकी चाम रही हैं, हमारी लकी हीरोइन रही हैं, उस वो फिल्म भी बहुत बड़ी सुपरहिट हुई और उस फिल्म के गाने भी सब बहुत सुपरहिट रहे हैं, तो ये हमारा लक इस फिल्म में काम करे और हम यही दुआ करेंगे कि इस बार फिर हम लोग आए और धमाका करें और एक बेहतरीन फिल्म आप सबके सामने लेकर आए। ये जोड़ी जो है अमरीश सिंह और अक्षरा सिंह, ये नई है, मुझे नहीं पता आपने पहले फिल्म की है। जी हाँ, पहली बार फिल्म होगी तो ये इसके लेकर क्या कहते हैं? अक्षरा सिंह खुद कितने एक्साइटेड है? ये कौन बनेगा करोड़पति का सवाल नहीं था, सवाल ये था कि नई जोड़ी है तो इसे लेकर कितनी एक्साइटेड है? हर फिल्म अपने आप में एक नई फिल्म होती है और एक नया चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए। मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म भी मेरे लिए उसी तरीके से प्रिय है और उतना ही अच्छा काम करना चाहती हूँ मैं एंड आई एम एक्साइटेड, दैट्स इट। अमरीश जी आप क्या कहते हो? जैसे कि अक्षरा जी ने कहा बिल्कुल एक्साइटमेंट, नहीं मैं सरमार बिल्कुल नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ और अक्षरा जी के साथ काफ़ी दिनों से प्लान चल रही थी कि हम फिल्म करेंगे और काफ़ी लंबे समय से जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी के साथ चर्चाएँ चल रही थी, स्टोरी पर वर्कआउट चल रहा था, तो ख़ास करके ये फिल्म अक्षरा जी और अक्षरा जी के साथ में मैं इसको बेहतरीन लिखा गया है और बहुत खूबसूरत ढंग से इसको पिक्चराइज किया जाएगा। जी
अक्षरा जी, जैसा कि वेलू जी ने बताया कि एक ऐसी लड़की जो कि अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं रखती, लव मैरिज में विश्वास रखती है, आपका पर्सनल स्टेक क्या है इसके ऊपर, आपका स्टैंड क्या है बेसिकली? फिलहाल मैं कोई स्टैंड के लायक ही नहीं हूँ, सो मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में. अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज में आई डोंट नो व्हाट इज बेटर व्हाट नॉट, क्योंकि सोचा नहीं मैंने इस बारे में. वेलू जी, आपको क्यों लगा कि ये अक्षरा जी ये कैरेक्टर अच्छी तरह से निभा सकती हैं? नहीं, एक ऐसी लड़की जो अरेंज मैरिज करना चाहती है. नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, अक्षरा जी एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं, चूँकि हमने काम किया है इनके साथ, तो वो कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हैं और अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करती हैं. और देखिए, एक आर्टिस्ट जो होता है वो पानी की तरह होता है, जिस आकृति में उसको डाला जाए वैसा ढल जाता है. और हमारी ट्यूनिंग अक्षरा जी के साथ बहुत अच्छी रही है पहली फिल्म में ही, और बहुत हम लोगों ने कई सारे सीन जमाए हैं. जब फिल्म देखेंगे, हमारी पहली फिल्म बलमा बिहार वाला, तो आपको कई सारे सीन ऐसे दिखेंगे जो यादगार हैं. तो बस मुझे लगा कि नहीं, काफ़ी समय हो गया था और अक्षरा जी पे ये कैरेक्टर मतलब एकदम फिट बैठ रहा था कि नहीं, इसके साथ ये इंसाफ बहुत अच्छा से करेंगी, क्योंकि कहानी को उस हिसाब से लिखा गया है. ये अक्षरा जी के गाने भी आजकल बड़े हिट हुए हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल. कोई गाना हम इस फिल्म में देख पाएंगे? मैं तो हमारी ख्वाहिश है कि अक्षरा जी एक नहीं कम से कम दो गाने जरूर गाएं हमारे फिल्म में, और लोग इनके किसी फिल्म के लिए गाएंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाएंगे. पहली बार नहीं, पहले भी गा चुकी हूँ. कहाँ दिमाग कहाँ रहता है, ये गलत क्वेश्चन क्यों? तो कौन सी फिल्म के लिए गाया था जरा आप बता दीजिए मुझे. पवन राजा के लिए गाया था, एंड वन मोर फिल्म तबादला के लिए गाया था. दोनों कौन सिंह की फिल्म है? हाँ, ये अमरीश सिंह की फिल्म है, तो इसमें गाने का क्या एक्सपीरियंस? अमरीश सिंह की फिल्म नहीं है, ये मेरी फिल्म है. दोनों की फिल्म है, वेलू शंकर जी की भी फिल्म है जी. अब ये बताइए मुझे कि अब गाने के लिए, तब आपने वहाँ गाया था, अब गाने के लिए आप एक्साइटेड कितना हो? या गाओगे भी नहीं, आप बता दो मुझे. गाओगे भी नहीं? या व्हाई नॉट, बिल्कुल गाएंगे. आज ही आपका गाना मैंने सुना, रात्रि वाला सुना, वो काफी धूम मचा रहा है. थैंक यू सो मच. और कौन कौन से गाने हैं जो आने वाले हैं? अभी नवरात्रि के 3-4 गाने और आने वाले हैं, और आज शाम में भी रिलीज है एक दो गाना. आई एम सो हैप्पी कि लोग मुझे बतौर सिंगर भी पसंद कर रहे हैं और इतना सारा प्यार दे रहे हैं. आपने एक नई चीज शुरू कर दी, रानी चटर्जी और काजल राघवानी ने भी गाना शुरू कर दिया है. वेरी गुड, अच्छी बात. कॉम्पिटिशन बढ़ गया. अब कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मुझे लगता है मेरा कॉम्पिटिशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है. बाकी लोग अच्छा करें, मेरे तरफ से बेस्ट विशेस हैं सभी. सबसे पहले फिल्म का जो मुहूर्त हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और इस वक्त देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. जी मैम, बात करें जो है विष्णु शंकर बेलू जी के साथ, एक बार फिर आप स्क्रीन शेयर करने जा रही है, एक और नया धमाका करने वाली है. एक बार फिर आप मेन लीड में आ रही हैं, और कह सकते हैं कि हीरो आप ही हैं. बतौर नायिका ये बहुत बड़ा प्रेशर है एंड चैलेंज है, एक नई फिल्म को निभाना. विमेन ओरिएंटेड एक छोटी मोटी फिल्म नहीं होती है, पूरा भार आप पे होता है. बहुत ही चैलेंजिंग रोल है. आई एम सो हैप्पी कि एक अलग सब्जेक्ट लेके विष्णु शंकर जी आए, और उन्होंने चाहा कि मैं उस फिल्म की एक्ट्रेस बन के काम करूँ. सो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच. और उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी तरीके से बने और अपना बेस्ट करने की कोशिश है. इनके साथ पहली फिल्म, उनकी पहली फिल्म थी मेरे साथ, जो कि बलमा बिहार वाला थी. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था उस फिल्म का, और उसके गाने बहुत हिट हुए थे, जो कि मैं कई स्टेज पे उसके गाने परफॉर्म करती थी. उसी तरीके से चाहती हूँ ये फिल्म भी दर्शकों को पसंद आए, और उतनी ही मेहनत और उतनी शिद्दत के साथ. किरदार खुलासा नहीं करूँगी, बहुत ही चैलेंजिंग रोल है बिकॉज विमेन आर इन, सो ये एक बात है. सेकंड थिंग इज दिस कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे थोड़ा बहुत बेस्ड है, सो दैट्स इट. इससे ज़्यादा रिवील करना उचित नहीं. क्या कहना चाहेंगे?
कई फिल्में आ चुकी हैं जी के बारे में जानना है, बट मेरी बेस्ट विशेज हैं और बहुत अच्छा काम करें। आपके गायकी के चर्चे हैं, माता रानी का एल्बम आया है तो आपके गाने आते हैं एक धमाल मच जाता है, और तो फिल्मों में भी आप पहले भी गा चुके हैं, तो ये जो फिल्म है इसका जो गाना रिकॉर्डिंग से शुरू आप क्या अभी फिलहाल तो नहीं, बट हाँ जरूर गाऊंगी। रिसेंटली नवरात्रि का गाना आया है और सबसे पहला गाना मैंने गाया था बेटी बचाओ पे, जो कि एक लाइन गुनगुना के सुनाना चाहती हूँ, जिसको लोगों ने सबसे ज़्यादा महिलाओं ने उस गाने को पसंद किया, बिकॉज आए दिन कभी रेप केस तो कभी लड़कियों का अपहरण, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है लड़कियों को, सो उसके खिलाफ मैंने सोचा कि मैं भी एक मैसेज समाज में दे पाऊँ। सो ना निर्भया बनी अब कौनो बेटी, हम निश्चर के काट देब बोटी बोटी, ना निर्भया बनी अब कौनो बेटी, हम निश्चर के काट देब बोटी बोटी, माई हो आदेश एक बार दे दा, माई हो आदेश एक बार दे दा, बेटी के जान बचावे के खातिर हमरा के अपन तलवार दे दाए माई, हमरा के अपन तलवार दे दा। बहुत अच्छा रही, तो नया समाज है ये तो है, इस गाने का बहुत अच्छा रिस्पांस था, एंड देन उसके बाद भी और भी कई सारे गाने आ रहे हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बस इतना ही कहूँगी कि एक एक्टर को लोगों ने सिंगर बना दिया, ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, है ना, इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ और आजीवन रहूँगी। मेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लिखी जाती है। घूम इधर लेना भाई यार, क्या कर रहे हैं? घूम पता नहीं कहाँ जी। मैं पीछे मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छी बात है अपनी इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज महिला प्रधान भी फिल्में बननी चाहिए और हमारी जैसी कड़ी एक्ट्रेसेस हैं, सबों को काम मिलना चाहिए। नीचे लो ना राम थोड़ा, समाज में एक नया मैसेज जा सके। बच्चे के साथ वो बच्चा मेरा ही है, हर दिन पोस्ट करती रहती हूँ। आप लोगों से ज्यादा कौन जानेगा, आप जितने मीडिया वाले हैं मुझे लगता है कि आप लोगों का भी जितना, मेरे पेरेंट्स जितना दर्शकों का सपोर्ट मिलता है मुझे लगता है उसका कई गुना ज्यादा आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो, उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोग। आउटडोर भी है और मुंबई में भी है, अभी फिलहाल तो अगली फिल्म मेरी आने वाली है, मैं जलवा करने वाली इस महीने, सो सब चीज़ों पे काम लगा रहा है। तो बच्चे की इन्होंने बात छेड़ी है, वो बच्चे का राज बताइए। वो खोल के बता रही हूँ, वो बच्चा मेरा ही है, वो बच्चा मेरा ही है। राज क्या है, मेरा है, कैसे अभी क्या बोलूंगी, हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज आप लोगों को चाहिए होता है, कुछ ना कुछ बना ही देते हो, क्या बोलूं मैं। वो एक्चुअली मेरी कजिन है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उनका छोटा सा बेबी हुआ है 2-3 दिन पहले, तो दैट्स इट, मैं मासी बन गई तो इसलिए उसकी खुशी जाहिर कर रही थी मैं इंस्टाग्राम पे, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की नज़र उस वक्त मेरे ऊपर थी। मीडिया से तो नहीं जाने, देखो कुछ रोल के बारे में छोटा मोटा थोड़ा बहुत देख कर कुछ इस फिल्म में, इस फिल्म में बतौर नायिका हूँ और
छोटी मोटी गांव की लड़की है और पूरी कहानी है आई थिंक कि डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर जी हाँ। नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है तो माता रानी किस तरह से माता रानी के भक्तों को मैं दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सभी दर्शकों और मैं चाहती हूँ कि माता रानी हम सबों पे आप लोगों पे सभी लोगों पे खूब सारा आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें और सबके जीवन में खूब सारी खुशहाली बनाए रखें। जो माता रानी का जो आज ही गाना आया है तो नहीं आज ही रिलीज हुआ है रुनुकी झुनुकी माई आवतारी। इसके अलावा एक गाना गाया है मैंने अपने नजर से गिराना नाम तो दोनों ही गाने का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आज माँ का आगमन है तो मैं एक लाइन को बनाती हूँ गा के कोयलरिया रे पांचरवा के गीतिया सो नवतारी हो गा के कोयलरिया रे पांचरवा के गीतिया सो नवतारी हो लागे की जुनो की माया बतारी हो। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।